हेलो वेलकम। आज हम बनाएंगे किलोड़ानो शाक। ये ड्राई सब्जी है, तो इसको आप गुजराती में इसको किलोड़ा बोलते हैं, कई लोग टिंडोड़ा भी बोलते हैं। तो आज हम उसका ड्राई शाक बनाएंगे। तो उसके लिए ये हमने थोड़े से टिंडोड़े लिए हैं, यानी कि किलोड़ा, जो बाज़ार में ऐसे ग्रीन राउंड ऐसे गोल गोल राउंड शेप में मिलते हैं। उसको बीच में से आप ऐसे पोटैटो चिप्स की तरह आप पतले पतले लंबे लंबे कट कर ले, अच्छी तरह से वॉश करके, इसको पानी निकाल के अच्छी तरह से इसको वॉश कर ले और लंबी लंबी चिप्स की तरह उसको पतले पतले कट कर ले। उसके लिए हमने गार्लिक लिया है, उसको हम छोटे छोटे बारीक बारीक गार्लिक काट लेंगे। इसको हम जीरा और उसका तड़का लगाएंगे, पिंच ऑफ हिंग, शुगर और टेस्ट के हिसाब से आप सोल्ट और ऑयल ऑयल हम लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा, इसमें आप चाहे तो पोटैटो भी आप अंदर ऐड कर सकते हैं। पोटैटो को भी आप छील के इसी तरह से लंबा लंबा चिप्स की तरह से, पोटैटो चिप्स जैसे काटते हैं लंबी लंबी, उस तरह से पोटैटो भी काट ले और इसके अंदर ऐड कर ले। तो ये हम आज हमने पोटैटो नहीं डाला है, सिर्फ टिंडोड़ा यानी कि किलोड़ा हमने यूज़ किया है। ये मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगती है सब्जी, सो हम इसकी ड्राई सब्जी बनाएंगे। तो अब हम दिखाएंगे उसके का तड़का हम इसका कैसे लगाएंगे। तो ये हमने अब हम उसका तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए ये हमने पैन में ऑलिव ऑयल डाला है, आप चाहे तो मकई का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने तेल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ऑयल, क्योंकि ये हम ड्राई सब्जी बनाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा ऑयल हमने ज़्यादा डाला है। तो इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके, टिंडोड़ा यानी कि किलोड़ा अच्छी तरह से कट करके वॉश करके रख लिया है। और जैसे ही ये हमारा ऑयल गर्म होता है, हम उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जैसा जीरा ऐसे चटकने लगे तब आप अंदर, ये हमने गार्लिक कट कर लिया था चॉप कर छोटा छोटा, तो आप गार्लिक चॉप कर लें छोटा छोटा और वो भी डाल दें। आप चाहे तो ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं सब्जी में, लेकिन हमने बच्चों की वजह से ग्रीन चिली नहीं यूज़ की है, रेड चिली पाउडर डालेंगे हम। तो ग्रीन चिली भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसको ग्रीन चिली और गार्लिक को क्रश करके डालें। और अगर ग्रीन चिली आप यूज़ नहीं करते तो ये गार्लिक हमने जो छील के बारीक बारीक हमने काट लिया है, तो उस तरह से आप इसको अच्छी तरह से काट लें। और ये जैसे जैसे थोड़ा सा गोल्डन गुलाबी ब्राउन होता है, उसमें आप पिंच ऑफ हींग मिला लें, पिंच ऑफ हींग मिला के उसमें आप हल्दी डाल दें और हल्दी पाउडर, थोड़े से हल्दी पाउडर डाल के ये जो हमारा साग है टिंडोड़ा यानी वो हम अच्छी तरह से उसमें पूरा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से डाल के उसमें थोड़ा सा सोल्ट डाल दें, टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से सोल्ट डाल दीजिए, बाकी आप ज़्यादा कम आप चक्के ज़्यादा और डाल सकते हैं। तो ये हमने तड़का लगा लिया है, इसको हम ढक के धीमी आंच पे हम 10 मिनट पकने देंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर नीचे करके हिला लेंगे। ये आप देख रहे हैं हमारी किलोड़ा यानी कि टिंडोड़ा की सब्जी थोड़ी सी अब पकने लगी है। जैसे आप इसको ऐसे कट करके देख लीजिए, ये कट होता है तो समझिए कि पक गए हैं। तो इसको ढककर खोल के अच्छी तरह से इसको पकने दें। और ये थोड़ी क्रिस्पी अच्छी लगती है सब्ज़ी, तो थोड़ी सी हम ऐसे जैसे ये क्रिस्पी होती है वैसे हम उसको क्रिस्पी बनाएंगे। उसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको अभी और कड़क करेंगे यानी कि थोड़ा क्रिस्पी करेंगे ज़्यादा। तो ये हम ढक्कन निकाल देंगे, ये टिंडोड़ा पक जाए
आप ऐसे कट करके इसको ठीक टिंडोड़ा ऐसे आप कट करके देख लीजिए, ये कट हो गया तो ये पक गया है। तो इसको ढक्कन निकाल के आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा ड्राई क्रिस्पी होने दें और उसके बाद हम सब मसाले ऐड करेंगे। मसाले पहले डालेंगे तो हम ये कड़क थोड़ा सा ड्राई करेंगे तो सब्जी चलेगी, तो मसाला भी जल जाएगा। तो उसके हिसाब से हम थोड़ा पहले इसको क्रिस्पी बना लें और उसके बाद हम सब मसाला इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके घर में ऐसा ड्राई क्रिस्पी साग नहीं अच्छा लगता, ऐसे ही अच्छा लगता है, तो आप इसको ज़्यादा मत क्रिस्पी कीजिए, इतना है तो इतना नॉर्मल कर दें और उसके बाद सब मसाले अंदर ऐड कर लें। और हमको थोड़ा सा, मेरे फैमिली को थोड़ा सा ड्राई अच्छा लगता है यानी कि क्रिस्पी, तो मैं इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी करूँगी। तो ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है, तो उसमें हम अब धनिया पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा आप थोड़ा सा कड़क और ज़्यादा क्रिस्पी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा ऐसा पसंद है। तो रेड चिली पाउडर थोड़ी सी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला हाफ स्पून गरम मसाला और थोड़ी सी शुगर, और ये सब डाल के आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और इसको चार से पाँच मिनट तक इसको मसाले को अंदर अच्छी तरह से पकने दें। तो इसको आप अच्छी तरह से मसाला मिला के ऐसे खुला ही आप इसको रखिए चार से पाँच मिनट तक, जैसे मसाला अंदर चढ़ जाएगा। तो ये हमारा, हमने मसाला डाल दिया है और थोड़ी देर हम इसको पकने देंगे। ये हमारी आज की रेसिपी चिंडोड़ा यानी कि गिलोड़ा, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कई लोग टिंडोड़ा बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में गिलोड़ा बोलते हैं। टिंडोड़ा, टिंडोड़ी हिंदी वर्ड्स है। तो ये आपका टिंडोड़े की सब्जी, ड्राई सब्जी रेडी हो गई है। तो इसको आप गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व कीजिए, और आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया डाल के सर्व कर सकते हैं। और इसको आप पोटैटो डाल के भी बना सकते हैं, अकेले ऐसे टिंडोड़े भी बना सकते हैं, की सब्जी भी बना सकते हैं, और चाहे तो ऑनियन भी आप अंदर ऐड करके बना सकते हैं। तो ये हमारी आज की रेसिपी रेडी हो गई है, तो खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।